उत्तराखंड में जहां एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी अपने चरम पर है। लगातार बिगड़ते हालात पर कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक है, लेकिन ना ही केंद्र सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और ना ही राज्य की बीजेपी सरकार ने। सुमित हृदयेश ने केंद्र सरकार पर चुनावों में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। साथ ही कोरोना में महाकुंभ में भी कोरोना गाइडलाइंस को सही से लागू नहीं कराने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। तो ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान मेरे ख्याल से विश्व में टॉप 5 ऑक्सीजन के निर्माताओं में से एक है। हमने आयात कर दिया ऑक्सीजन, हमने आयात कर दी दवाएं और हमारे देशवासी मर रहे हैं। गाइडलाइन जो दे रहे हैं लोग, ये लग तो लॉकडाउन चल रहा है लेकिन लॉकडाउन लगाएंगे नहीं। हाँ, ताकि इन पे वो ना आए, बोझ ना आए कि आर्थिक वो फिर से बैंकों को बोले कि किस्तों में रियायत दे। कैसे लोग किस्त पे कैसे देंगे किस्त अपनी? लोग कैसे बंद धंधे चलेंगे बताएं? जहां प्रदेश में कोरोना को लेकर सियासत हो रही है, वहीं कालाढूंगी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग में कोरोना विस्फोट हुआ है और 13 छात्राओं समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मिले हैं। दरअसल 162 छात्राओं और शिक्षिकाओं के कोरोना सैंपल लिए गए थे। हालांकि इससे पहले कुछ दिन पहले ही 4 शिक्षिकाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं शिक्षिकाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 162 छात्राओं और शिक्षिकाओं के सैंपल लिए गए थे। वहीं कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी देवेश चौहान ने बताया कि सभी को होम आइसोलेट कर दिया है। यहाँ CSC कोटाबाग में डेली सैंपलिंग हो रही है। अभी GGIC कोटाबाग में 4 टीचर पॉजिटिव आई थी, जिसमें 3 हल्द्वानी है, 1 काशीपुर है। तो प्रिंसिपल द्वारा हमें सूचना मिली कि ऐसे ऐसे पॉजिटिव आए, फिर हमने स्कूल में जाके सैंपलिंग की। 162 संख्या थी उस दिन, टीचर स्टाफ सब मिला के। तो जो 162 में से अभी 15 पॉजिटिव आए, 3 बच्चियाँ हैं, 2 टीचर हैं। सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है, मेडिकल किट दे दी गई है, मेडिसिन किट दे दी गई है। प्रदेश में जहां अभी जनता के जनप्रतिनिधियों को लोगों की मदद करनी चाहिए, वहीं ऐसे में कोरोना को लेकर सियासत की जा रही है। ऐसे समय में किसी को भी जिम्मेदार ठहराने का समय नहीं है, बल्कि हमें अपनी सुविधाओं को सही करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही हो जाएं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।